अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ लाठी का कुछ ऐसा स्टेप जो आप दोनों हाथों से पकड़ के घुमा सकते हैं उसको, उससे वार भी कर सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। तो इस लाठी के स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपको आ जाता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप कहीं पर भी भीड़ में इकट्ठा अगर हो जाएँ, अगर लाठी आपके हाथ में हो तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। याद रहे दोस्तों, जब भी आप दोनों हाथों से लाठी घुमाएंगे तो आप एक बार बाजुओं तक नाप ले लाठी को और उसी जगह पे पकड़े। उससे ज़्यादा या कम पकड़िएगा तो आपको चोट लग सकती है। ये नियम है दो हाथों से लाठी घुमाने। आप भी इसे आसानी से सीख सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले लाठी लेकर के हाथों की लंबाई नापिए और वहीं पर पकड़िए, और दूसरा वाला हाथ कुछ इस तरह पकड़ना होगा आपको, ओके। और आपको कुछ इस तरह एक बार इधर एक बार उधर ऊपर से लेके नीचे की ओर लेके जाना। ये देखिए, ऊपर से नीचे की ओर दाएं तरफ, फिर एक तरफ बाएं तरफ भी ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह करना, जैसे बैट बॉल खेलते हैं ना, बस उसी तरह। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको लाठी को किस तरह पकड़ना है उसी तरह ही पकड़िएगा, तभी आप ये वाला स्टेप घुमा सकते हैं। दूसरी बात, आपको मैंने शुरू में बताया था लाठी को नाप करके अपने बाजुओं तक वहीं पर पकड़ना है, तो वहीं तक पकड़िएगा। उससे ज़्यादा पकड़िएगा तो आपके शरीर में लग सकता है, ओके। तो दोस्तों, पहला स्टेप तो आपने समझ लिया किस तरह पकड़ना है और किस तरह दाएं बाएं घुमाना है। अब देखिए, ये इस तरह पकड़ना है, ठीक है। अब उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा पकड़ना है, इस तरह पकड़ना है। आगे वाला जो हाथ है, ऊपर वाला हाथ, इस तरह पकड़ना है, तभी आप बाजुओं में घुसा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये घुसा करके एक बार निकाला बाजुओं से, दोनों हाथ से पकड़ के इसे आप घुमा सकते हैं, और इसी तरह घुमा करके आप उसे दूसरी तरफ से आसानी से निकाल दीजिए, कुछ इस तरह। याद रहे दोस्तों, जब भी आप लाठी को पकड़े तो थोड़ा ढीला पकड़िए, फ्लेक्सिबल पकड़े, ताकि आप आसानी से स्पीड में भी उसे घुमा सकें। ज़्यादा वाला हिस्सा बाजुओं में जाता है, उसी को बाजुओं में घुसा करके निकालना है, और दूसरी तरफ भी जो ज़्यादा वाला हिस्सा है लाठी का वो एक बार घूमेगा, छोटा वाला हिस्सा एक बार घूमेगा, और इधर जो है ज़्यादा वाला जो हिस्सा है फ्रंट की तरफ एक बार घूमते हुए फिर बाजुओं में आता है, ओके, इस तरह। अब इसको आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसको कितना स्पीड घुमा सकते हैं। आप इसे बहुत ही स्पीड घुमा सकते हैं, लेकिन आपको पकड़ने का नियम आना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, उसी तरह ही पकड़ना है। अगर आप उस तरह नहीं पकड़ोगे तो वो आपसे घूमेगा ही नहीं, वो आपके शरीर में लड़ जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने जैसे बताया है, देखिए दोनों स्टेप में थोड़ा सा सिर्फ अलग है, दो चेंजेस हैं, ठीक है। दो चेंजेस ये है कि एक बार ये देखिए, ये इस तरह घूम रहा है ना, अभी बाजुओं में मैं नहीं घुसा रहा हूँ, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं बाजू वाला घुसाता हूँ तो ये ऊपर से नीचे जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो दोनों में आपको ना हाथों को चेंज करना है, सेम टू सेम वही हाथ रहेगा। ऊपर वाला जो हाथ होता है ना, देखिए ये ऊपर वाला हाथ जो मैं पकड़ा हूँ, इस तरह पकड़ने से आप बाजू तरफ ही घुसा सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है, घुसा करके निकाल सकते हैं, इस तरह देखिए, यही नियम है इसका। और जब वो वाला आपको पोजीशन पे घुमाना है तब आपका हाथ कुछ उल्टा होगा, सिर्फ ऊपर वाला हाथ, ठीक है। जब भी आपको बाजू की तरफ से घुमाना होगा तो इस तरह पकड़ें, ओके, तभी आप बाजुओं में घुसा करके उसे निकाल सकेंगे और इस तरह घुमा सकेंगे, वरना नहीं घुमा सकेंगे। पकड़ने का नियम जरूर याद रखें, ठीक है, ठीक है। घुमा लिया, अब एक पैर आगे उठा करके ये सामने वाले को चमका दिया। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए दोनों स्टेप को पकड़ने का नियम क्या है, ठीक है। अच्छी तरह से देखिए इस चीज को, ये आपको सबसे पहले तो ये वाला करना है, ठीक है। लाठी की लंबाई नाप लीजिए हाथों से, आपका जितना हाथों की लंबाई है उतना दूर तक आप बाजुओं से यहाँ तक ले लें और वही जगह पे पकड़े, ठीक है, इस जगह पे पकड़ लें। इससे आपका है ना शरीर पे लड़ेगा नहीं, ये वाला फंसेगा नहीं कहीं, ठीक है। अब यहाँ पकड़ लिए, उसके बाद ये पोजीशन, ये देखिए ये पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन पे पकड़ना, ऐसे ऊपर वाला जो हाथ है, ठीक है, ये मेरा बायां हाथ है, इस तरह पकड़ना, ओके, इस तरह इसको सहारा देना, ठीक है। ये एक बार इधर, मतलब एक बार दाएं, एक बार बाएं, ठीक है। पोजीशन पैर का इस तरह होना चाहिए, इस तरह ये वाला स्टेप घुमा सकते हैं,
ओके ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप था, इससे आप समझ लीजिए आप इससे बचाव कर रहे हैं अपना, ठीक है। कोई भी अगर आगे है तो आप ऐसे बचाव कर रहे हैं, ये बचाव कर रहे हैं, कोई आपके आगे आएगा ही नहीं, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप था, सेम यही चीज़ है, किसी हाथ को बदलना नहीं है। मैंने जो ऐसे पकड़ा था, ऊपर वाला जो हाथ है, बायां हाथ जो है ऊपर की ओर जो मैं पकड़ा था, इसको ऐसे की जगह ऐसे करना, ठीक है। ऐसे की जगह ऐसे करना है, तभी आप ये बाजू तरफ घुसा सकेंगे, घुमा सकेंगे, ठीक है। ये इस तरह आ जाता है, यहाँ बाजू से निकालिए, दूसरी ओर पे घुमाइए, ये फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ठीक है। फिर आगे की ओर निकालिए, फिर बाजू में लीजिए, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा ना तो ही आप जो है इसको स्पीड में घुमा पाएंगे। ज़्यादा पकड़ को मजबूत मत बनाइएगा, ये वाला आपका फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए, ये भी इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। दोनों स्टेप पे बस इस तरह आप बाजू से गुजार करके एक बार इधर करके धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना। ये देखिए, ये धीरे धीरे आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है पकड़ने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। पकड़ने का नियम सबसे ज़रूरी है, वरना आप नहीं घुमा पाएंगे। तो पकड़ने का नियम को ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको बाजुओं की तरफ घुसाना हो तो आपको इस तरह पकड़ना है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। सिर्फ यही हाथ का चेंज होगा, ऐसे पकड़ना है, ऐसे में सहारा दे करके बाजुओं में घुसाना है, ठीक है। और जब आपको वो वाला घुमाना है तो ऐसे, दूसरा स्टेप घुमाना तो ऐसे, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है। इस वाले में आपको ऐसे धरना है, बाजुओं वाले में आपको ऐसे धरना है, ठीक है। तब आप यहाँ से ऐसे ऐसे वाला घुमा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों पकड़ने वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो पकड़ने वाला जो मैंने बताया, जब ऐसा पकड़िएगा तो ही आप इसे घुमा पाइएगा, वरना नहीं घुमा पाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता, आपके आपका ताकत कितना है, उतना ही स्पीड आप घुमा सकते हैं। मेरे तो उतनी ताकत है नहीं जो मैं घुमा पाऊँगा, लेकिन आप मुझसे भी स्पीड घुमा सकते हैं। और ये वाला जो स्टेप करते करते आप ये समझ लीजिए आप बचाव कर रहे हैं, कोई आपके आगे भिड़ेगा नहीं, ठीक है। ये अपना बचाव कर रहे हैं, कोई तो आएगा ही नहीं। जब स्पीड में आप ऐसे घुमाइएगा, कौन हिम्मत करेगा आने का, कोई नहीं हिम्मत करेगा, ठीक है। तो ये आप अपना बचाव कर रहे हैं, और भीड़ में अगर फंसे हुए हैं तो इस तरह करते करते ये एक पैर को आगे कर लीजिए, चमका भी सकते हैं आप इस तरह, वार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप मैंने दोनों बताया, इससे आप वार भी कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपके हाथ में लाठी है तो ठीक है, आपके हाथ में अगर लाठी हो तो फिर आप अकेले ही जो है भीड़ को देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। पकड़ने का जो मैंने बताया है, कहाँ पे क्या पकड़ना है, कितनी दूरी में पकड़ना है, कैसे नापना है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा तो ही आप ये वाला स्टेप घुमा सकते हैं, और अपना बचाव भी कर सकते हैं और वार भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बस इसमें पकड़ने का जो है मैंने बताया उसको ध्यान दीजिएगा। और याद रहे, इस तरह शर्ट खोल करके मेरी जैसा हीरो बन के मत घुमाइएगा, वरना आपके शर्ट में फंस जाएगा और आपको चोट लग सकती है। आप कोई भी कपड़ा पहने, अगर आप शर्ट पहने हुए हैं तो उसका बटन ज़रूर लगा लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये वाला स्टेप लाठी का सीख गए होंगे। बहुत जल्द मैं इसे डांस में भी ऐड करने वाला हूँ और उसका ट्यूटोरियल भी बना दूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो मैं बैठा हुआ हूँ घर पे, बहुत सारा समय मिला है मुझे, तो मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ एक से दो वीडियोस डालूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिले और आप सीख सकें। तो चलता हूँ दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्टेप के साथ, डांस का स्टेप या फिर लाठी का स्टेप सिखाते हुए, कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलता हूँ।